शहर में बीते कुछ दिनों पहले पुलिस द्वारा बिना किसी ठोस वजह के एक 39 वर्षीय व्यक्ति को बुरी तरह मारने से शर्मिंदा होकर व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया था, जिसके चलते शुक्रवार को भाजपा उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने मृतक के घर जाकर परिजनों को सांत्वना भेंट दी और राज्य सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। शहर में आए दिन पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आ रहा है। पाड़ी में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को पीटने के कारण उसकी मौत का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि सोमवार को हुडकेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत और एक मामला सामने आया, जहां 39 वर्षीय महेश राउत ने एक मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति की मदद के उद्देश्य से पुलिस नियंत्रण कक्ष में कॉल कर मानसिक रूप से अस्वस्थ एक व्यक्ति को सुबह एक महिला द्वारा पीटे जाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद वहां से दो बीट मार्शलों को भेजा गया था। पुलिस के दोनों कर्मियों ने महेश से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी कारण से फोन नहीं उठाया। इसके बाद दोनों घर आए और उन्होंने महेश को संपर्क न होने की वजह से उसे बुरी तरह से पीटा, जिसके पश्चात महेश ने समाज में अपमान होने के डर से खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद कई लोगों द्वारा उन पुलिस कर्मियों का विरोध किया जा रहा है, साथ ही महेश को न्याय दिलाने की बात कही जा रही है। अब इन सारी चीजों के बीच शुक्रवार को भाजपा उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने मृतक के घर जाकर परिजनों को सांत्वना भेंट दी और पत्रकारों से भी इस दरमियान बात की, जिस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने कई सवाल खड़े किए। पणाचा कळस आहे, आपण बघितलं की मी आज नागपूर मध्ये आहे आणि या ठिकाणी एक सदा एक भला माणूस ज्याचं नाव महेश राऊत, जे नेहमी इथल्या गोष्टींवरती अलर्ट असतात आणि त्यांनी एका मनोरुग्णाच्या मदतीसाठी 100ला म्हणजेच नागपूर कंट्रोलला फोन केला। कंट्रोलला फोन केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना फोन केला असेल आणि तो उचलला नाही म्हणून एका दोन छोट्या छोट्या लेकरांचं पितृछत्र त्या ठिकाणी हरपलंय आणि तुमच्या दोन पोलिसांच्या या वागणुकीमुळे त्या माणसाला त्याचा जीव गमवावा लागला आणि आज तुम्ही पुन्हा त्याच्या मृत्यूचं खापर हे तुम्ही त्याच्या बायकोवर फोडताय। म्हणजे किती नीचपणाचा कळस नागपूरच्या पोलिसांनी गाठलाय हे या गोष्टीवरनं समोर येत आहे। संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी ही राऊत फॅमिलीच्या सोबत आहे। प्रश्न हा पडतो की आता याच्या पुढे जर अशा पद्धतीने पोलिसांकडनं वागणूक मिळत असेल तर लोकांना मदत करण्यासाठी कोणी धजावेल का? त्यांच्या घरचं काम नव्हतं हे, एका मनोरुग्णाला मदत व्हावी म्हणून त्यांनी या ठिकाणी फोन केला होता आणि त्याची परिणिती अशी झाली की त्यांना त्यांचा जीव गमवावा लागला। आज बघा संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर पडलंय। नागपूरच्या कमिशनरांना मला सांगायचंय, अजूनपर्यंत गुन्हा दाखल केलेला नाही याच्यामध्ये, ऍक्सिडेंटल डेथ म्हणून लिहिलेलं आहे असं माझ्या माहितीप्रमाणे मला आता कळलेलं आहे। इस वक्त उन्होंने कहा कि नागपुर में बढ़ते अपराधों से अब नागपुर क्राइम कैपिटल बन रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिस अफसरों को शर्म आनी चाहिए क्योंकि उनके कारण एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो गया है। इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी कई सवाल या निशान खड़े किए, साथ ही कहा कि अब तक इस मामले में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते वो पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को भी मिलेगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।